काम हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए नाम भी भूल गए सांसद जी का। कुछ नहीं किया है मैडम, तो अगर उनको अगर वोट दिया जाए तो बेकारे है। एक दिन का बारिश न, बरसात का मौसम, कुछ आधी घंटे के बारिश में सब भर गया, काम ही तो है, मतलब पूरा नाराज है। काम क्या करेंगे बताइए, दिए कुछ नहीं किए, कानून मंत्री बन गए, सिर्फ अपना से मतलब रखे, जनता को किसी को कुछ नहीं दिया। कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है मैम। बिहार में तो कोई भी काम नहीं दिखता है। इनके बारे में क्या सुना है, काम किए हैं? बस नाम सुने हैं, काम का नहीं पता। सफाई है? हाँ बिल्कुल है, रोड पे चले जाइए पानी जमा हुआ मिलेगा, इतना ज्यादा सफाई है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और आपको मालूम है कि पहला मतदान 19 अप्रैल को होना है और आखिरी मतदान 1 जून को होना है और नतीजे आएंगे 4 जून को। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना के गांधी मैदान में मौजूद है। आपको मालूम है कि गांधी मैदान पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, चुनाव का सीजन आ गया है तो ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी होता है कि आखिर जनता का मूड, जनता का मिजाज क्या है। तो आइए फिर यहाँ पर चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। और जनाब ये भी जानेंगे कि यहाँ के मौजूदा सांसद ने काम किया है या फिर नहीं किया है। राजेश कुमार। राजेश जी, सांसद कौन है आपके, एमपी साहब कौन है? नाम भी नहीं जानते हैं? नाम तो नहीं जानते। अच्छा, रविशंकर प्रसाद हैं क्या जी? अच्छा, नाम भूल गए एमपी साहब का। काम किए हैं कि नहीं किए? किया। काम किए हैं? क्या काम किए? क्या जो उनका दायित्व बनता है वो करते हैं। तो किए हैं, काम हुआ है पटना साहिब में, काम की नहीं हुआ है? जनता सोच रही है इस बार मजा चखा देंगे, चुनाव आ रहा है तो जहाँ नहीं किए होंगे वहाँ तो जनता बोलेगी। आपको क्या लगता है, काम हुआ है कि नहीं? काम हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए नाम भी भूल गए सांसद जी का। हे, बड़ा मुस्कुरा रहे, काम ही नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ तो इसलिए नाम भूल गए। अब आइएगा वो वोट मांगने के लिए तो कहिएगा हम तो चीनते ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब मूड बना लिया है जनता ने कि इस बार परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, मूड बना लिया है। बना लिया। पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, सांसद कौन है? रविशंकर जी। यहाँ रविशंकर जी, काम हम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं मैडम, तो अगर उनको अगर वोट दिया जाए तो बेकारे है। क्या बात कर रहे हैं, काम है? काम नहीं किए हूँ, घर से निकलते हैं उनको वकालत करते हुए। कभी घर से नहीं निकले? कभी नहीं घर से निकले हैं, वकालत करते हुए। तो मतलब मूड बना लिए कि अभी चाहिए परिवर्तन, अभी इस बार तो परिवर्तन ही परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन ही चाहिए। हाँ, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, अब देखते देखते हमारे खुश हैं जेपी नड्डा, और जनता की महंगाई से बची है हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार? क्या बात है, कहाँ सोया है चौकीदार? आपको पता है घर में अगर चोरी होता है तो चौकीदारे पहले पकड़ाता है। कुमार राय। प्रिंस, इतना हाथ क्यों रहे हैं, थोड़ा दौड़ रहे हैं। अच्छा, दौड़ रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जी, इंडियन आर्मी की। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए सांसद कौन है आपके? आपने अभी तो बताया, रविशंकर जी। अच्छा, रविशंकर प्रसाद सांसद है, काम कैसा कर रहे हैं? ये काम ही तो है, देख लीजिए। क्या है? गांधी मैदान में जहाँ नौजवान बच्चे आकर के दौड़ रहे हैं। एक दिन का बारिश न, बरसात का मौसम, कुछ आधी घंटे के बारिश में सब भर गया, काम ही तो है। मतलब पूरा नाराज है, पूरा बमके हुए हैं? बिल्कुल बमके हुए हैं, आ रहे थे रोड से। अच्छा? आने का रास्ते में कचकच हो रखा है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पटना साहिब में 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है? काम काहे नहीं हुआ है, काम तो बहुत हुआ होगा, लेकिन जो पैसा वाला है, पूंजीपति, उसके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। आम आदमी के लिए कोई काम नहीं? जी नहीं, हम 5 साल पहले भी तैयारी ही करते थे, आज भी तैयारी ही कर रहे हैं। मतलब कि पहले भी हाथ खाली था, आज भी हाथ खाली है? जी बिल्कुल, देख लीजिए आपके सामने ही है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि अभी आएंगे दरवाजे पर वोट मांगने के लिए तो क्या कहिएगा? कि इस बार तो लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, चाहे कोई राज्यसभा में तो खैर हम नहीं, विधानसभा हो और लोकसभा हो, हमारा वोट किसी को नहीं जाएगा। इतना नाराज है? बिल्कुल, इतना बमके हुए हैं, चाहे कोई हो, आप सांसद का बात कर रहे हैं, मोदी, योगी, सबको लेकर के बोल रहे हैं, पूरे राज्य में। नीतीश जी पसंद है क्या? नहीं, नीतीश जी पसंद है, नीतीश जी भी नहीं पसंद है, और सांसद जी से तो बमके ही हुए हैं, सांसद जी पूरा गरम है। हाँ, सांसद जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है?
आप परिवर्तन के मूड में नहीं है क्या? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। तो हम एकदम परिवर्तन के मूड में है जनता। देखिए उतना जब जनता को तो हम नहीं जान सकते, हम अपने को जानते हैं। हमारा लोकसभा चुनाव में किसी को वोट नहीं, किसी को वोट नहीं है, इतने नाराज है। नाम क्या है? मेरा राहुल कुमार नाम हुआ। अच्छा राहुल जी, अपने सांसद को चिंते हैं कि नहीं चिंते हैं? सांसद के चिंते हैं। नाम जानते हैं क्या? नाम जानते हैं, रविशंकर प्रसाद सिन्हा। अच्छा, कैसा काम किए हैं? काम क्या करेंगे? आए बाप, क्या हो गया है भाई, एकदम उंगली दिखा के कह रहे हैं क्या करेंगे, क्या हो गया? कानून मंत्री बन गए। हाँ। बिहार से 40 में 39 सीट एनडीए को मिला है। हाँ? लेकिन बिहार को कुछ खास मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, बिहार जहाँ है वहाँ जस के तस है, कुछ नहीं मिला। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सांसद जी पर गुस्सा है? सांसद जी काम नहीं किए क्या? काम क्या करेंगे बताइए, दिए कुछ नहीं किए, कानून मंत्री बन गए। हाँ, हाँ। सिर्फ अपना से मतलब रखे, जनता को किसी को कुछ नहीं दिए। अच्छा, कितनी बार मुलाकात हुई है 5 सालों में सांसद जी से? कितनी बार भेंट हुई? हमको तो एक बार मिले, वो भी शादी प्रोग्राम में मिले। हाँ। जी तो तब नहीं बोला कि काम नहीं हो रहा है सांसद? शादी में क्या बोले, शादी में तो सब बिजी रहते हैं। जनता का मूड क्या है? अब की बार जनता का मूड है 17 महीना बनाम 17 साल। अरे बाप रे, परिवर्तन चाहते? जी जी, एकदम पूरा परिवर्तन होगा। पूरा परिवर्तन? जी जी, पूरा परिवर्तन। क्या लगता है काम किया है रविशंकर प्रसाद जी ने? मैम बिहार में तो कोई भी काम नहीं दिखता है। काम ही नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता है। बस यही सब मेट्रो चल रहा है और ये सब। हाँ। मेट्रो का काम तो दिख रहा है, बट उसकी वजह से जितनी डिफिकल्टी आ रही है लोगों को यहाँ पे ट्रैवलिंग में, ट्रैफिक जाम इतना रहता है। सांसद साहब ने काम किया है कि नहीं? रविशंकर प्रसाद जी ने काम किया है कि नहीं? मैम पर्टिकुलर किसी पॉलिटिशियन के बारे में तो नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन ओवरऑल तो नहीं दिखता है बिहार। नहीं दिखता है काम? नहीं दिखता। मतलब जनता खुश नहीं है? जनता बिल्कुल खुश नहीं है। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है बस यहाँ। मतलब अब जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन का? डेफिनेटली डेफिनेटली। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश जी कहाँ से हैं? पटना से। पटना से, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। हाँ। से सांसद कौन है आपके? रविशंकर प्रसाद। अच्छा रविशंकर प्रसाद जी हैं। कैसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है, खुश है उनके काम? बिल्कुल, से बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्या क्या काम हुआ है पटना साहिब में? रोड डेवलपमेंट हुआ है, सफाई हुआ। हाँ। है सारा जगह, स्कूल वगैरह सब जगह साफ सुथरा अब रहता है। आने जाने का अब व्यवस्था बढ़िया हो गया। क्या बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार। आप भी पटना साहिब? जी। अच्छा ये बताइए कैसा काम किया है सांसद जी ने? लगभग ठीक ठाक है। लगभग ठीक ठाक है, मतलब इस बार परिवर्तन के मूड में नहीं है? नहीं नहीं, जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है? नहीं। क्या नाम है? अभी। अभी क्या करते हैं? फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, वोट डालते हैं? फर्स्ट ईयर ट्राई। फर्स्ट ईयर, मतलब की पहली मर्तबा मतदान कीजिएगा? बिल्कुल। खुशी है, एक्साइटमेंट है? काफी एक्साइटमेंट है। अच्छा अच्छा ये बताइए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या पता है कि सांसद कौन है मौजूदा पटना साहिब के? फिलहाल तो ऐसा कुछ पता नहीं है। सांसद कौन है पता ही नहीं है? अरे नहीं। ऐसा क्यों, क्या नाम है? आर्यन नाम है। आर्यन, आपको पता है कि मौजूदा एमपी कौन है पटना साहिब से? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं पता है उतना? अच्छा रविशंकर प्रसाद का नाम सुना है कि नहीं? वो तो सुना लग रहा है। सुना है देखा है कि नहीं देखा है? देखे भी होंगे तो याद नहीं है। क्या सुना है उनके बारे में, क्या सुना है, काम उम किए हैं? बस नाम सुने हैं, काम का नहीं पता। अच्छा बस नाम सुने हैं, काम का दिखता है कुछ काम? अब पता ही नहीं है, दिखते नहीं, मतलब दिखता है सफाई सुथराई सब दिखता है कि कोई आप लोग को है? युवा क्या सोच रहे हैं, युवा क्या मन बना रहे हैं? आप आसपास देख लीजिए कितनी सफाई है। है सफाई? आप वही तो बोल रहे हैं, आपके पास आप बताइए हम क्या देखेंगे, आपसे जानने आए हैं, आपसे बात करने आए, सफाई है? हाँ बिल्कुल है, रोड पे चले जाइए पानी जमा हुआ मिलेगा, इतना ज्यादा सफाई है, सब चीज है। आज ही के पानी में देखे तो पूरा लग रहा है हम लोग के कंकड़बाग एरिया पूरा गड्ढा सब भराया गया पानी से, कितना अभी 2-3 गो का तो देखे। मतलब देखिए इनकी उम्र इतनी छोटी छोटी है लेकिन बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि सफाई, खुद देख लीजिए आज थोड़ी सी क्या बारिश हुई और कह रहे हैं कि पटना साहिब का हाल खुद देख लीजिए, अब डूब गया है। डूबा नहीं है, अब ये थोड़ा सा मौसम है तब ये। हाँ। सीवेज का ये हाल है, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम है, जब बरसात का दिन आएगा उस टाइम पे और कैसा ड्रेनेज होगा। कह रहे हैं कि एमपी साहब काम नहीं कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं छोटी उम्र में। वो तो आप ही बता सकते हैं काम कर रहे नहीं कर रहे। तो सुना आपने कि यहाँ पर मौजूद जनता जनार्दन ने क्या कुछ कहा है? देखिए आपने सुना कि जनता काफी गुस्से में है, जनता काफी बमकी हुई है और साफ साफ कह रही है कि इस बार तो परिवर्तन होके रहेगा।
तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।